नमस्कार, मेरा प्रणाम। जैसा आप लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली थी। भ्रष्टाचार को कम करना, उसको खत्म करना हमारा मिशन है, हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। उस दिशा में पहले भी बहुत सारे कदम उठाए गए। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये जो पहल की है, इससे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट्स में से आता है जिसमें कहा जाता है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक तो तरीका है कि गलत अफसरों को, गलत लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए ताकि लोग डरें, और दूसरा तरीका है कि अपनी कार्य करने की प्रणाली को, कानून को इतना सिंपल किया जाए और ट्रांसपेरेंट किया जाए कि भ्रष्टाचार करने के मौके ही ना मिल सके किसी को। तो आज उस दिशा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो आज आठ सर्विसेज आज ऑनलाइन कर रहे हैं। इसको हटाना, रेड वाले को जल्दी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे ना केवल भ्रष्टाचार खत्म होगा बल्कि इनकन्वीनियंस भी खत्म होगी। आपको वहां जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, वहां पे दलाल मिलते हैं, और इनकन्वीनियंस से ज्यादा जो इंडिग्निटी है, वहां पे बेइज्जती महसूस होती है आदमी को, इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज एक पहल है, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। पहली चीज तो ये कि आज 7 सर्विसेज को किया जा रहा है, लेकिन अभी कई सारी सर्विसेज करनी बाकी है। दूसरा, जैसा मंत्री जी कह रहे थे, अभी हम फॉर्म भर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद अपने को एक बार डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा कुछ सर्विसेज में। अल्टीमेटली अपने को वहां तक पहुंचना है कि डिपार्टमेंट जाने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी, जैसे ई डिजिटल सिग्नेचर, इन सब चीजों को करने के लिए उनके साथ बात करनी पड़ेगी, वो भी करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे कि भाई जब ड्राइविंग टेस्ट देना है बस तभी जाने की जरूरत पड़े, नहीं तो सारा सब कुछ घर बैठे बैठे हम लोग कर सकें। वो जब हो जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आज ये जो हम लोगों ने ई सर्विसेज लागू की हैं, इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, NIC को, SBI को, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन सब लोगों के पिछले कुछ महीने के अथक प्रयास की वजह से आज ये संभव हो पाया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज आज दिल्ली में हम लोग फेस कर रहे हैं, वो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक और पोल्यूशन। ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इसमें अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़े स्तर के ऊपर इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे हम इंटरनेशनली ऑड इवन का हम लोगों ने पिछले साल दूसरे देशों से सीख के लागू किया था, लेकिन वो एक टेम्पररी मेजर है, परमानेंट मेजर नहीं है। अब जब दूसरे और कई सारी प्रैक्टिसेस देखते हैं, कई लोग कहते हैं जी आप जब टी कार्स होते हैं उस टाइम फलाने जो ज्यादा ट्रैफिक वाले एरियाज है वहां पे आप पैसे ज्यादा लगा दीजिए एंट्री के, लोग फॉरेन कंट्रीज का एग्जांपल देते हैं। वो सब तब हो सकता है जब अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इंप्रूव करें ना और रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो फिर लोग जूते मारेंगे। पहले अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को कार से ट्रैवल करना महंगा कर दें तो कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो हालांकि इस दिशा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे भैया साहब बता रहे थे और सत्येंद्र जैन जी भी बता रहे थे कि 100 बसेस पिछले महीने खरीदी, 100 खरीदी, 200-300 और खरीद रहे हैं, लेकिन ये बड़ी छोटी सी हैं, 100-100 बसों से दिल्ली का काम नहीं चलेगा। अब अपने को हजारों बस में बसों की करनी पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि डिपो बन के तैयार हो गए, क्योंकि जब भी हमारी मीटिंग होती थी बसों के खरीद के लिए तो कहते थे बसें खड़ी कहां करेंगे, तो कम से कम 1100 बसों के 4 डिपो बनके जल्दी तैयार हो रहे हैं। लेकिन इनको भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने को करना पड़ेगा। एक बार जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये दो इश्यूज को अगर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया
तो तब हम रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सख्ती कर सकते हैं, तब जनता साथ देगी। जनता को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो अपनी अपनी गाड़ी छोड़ो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना चालू करो। तो एक ये बहुत बड़ा काम है जो अपने को सबको मिलकर करना है, सरकार को भी करना है, नागरिकों को भी इसमें साथ देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तेजी के साथ, 2 साल ही पूरे हुए हैं अभी, तो 2 साल तो बहुत छोटा समय होता है किसी भी सरकार के लिए, 2 साल में इतना सारा काम किया, मुझे आने वाले समय में उम्मीद है कि जो ट्रैफिक की और पोल्यूशन की समस्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर हम इसका भी समाधान जल्दी निकालने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।